हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि एक न्यूज़ आया हुआ है, आप जान रहे हो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को लेकर के, कि जो आप लोगों को कॉपी मिलती है वो कॉपी का पेज जो है 32 ना होकर के 28 होगा। मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ कि जितने पेजेस के आपको कॉपी मिलने वाले हैं उसका पता कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन में डिवाइड कीजिए। तो हम लोग आज जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, 28 पेजेस को हम कैसे डिवाइड करेंगे, कितने कौन से क्वेश्चन में कितने पेजेस लिखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी और क्यों करेंगे वो भी बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए जो नंबर दिया गया है आपको उसके पे कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात करते हैं, ये 28 पेजेस का खेल चेंज किया गया, 32 से 28 पे आया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस अपने पेजेस को कम कर देना है। मैंने इसको जो है इवेल्युएट किया तो CCS का फॉर्मेट क्या है, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, ठीक है, आप भी जानते हो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद वेरी शॉर्ट, ये तीन तरह के जो है पैटर्न आप लोगों को मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों का होता है कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट जो है 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो अब आपको जो है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, 3 क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि 3 क्वेश्चंस लिखिए, 5-5 पेजेस के, 5-5 5-5 पेजेस के 3 क्वेश्चंस, तो कितने हो जाएंगे आपके, 15 पेजेस हो गए। यहाँ पे कितने पेजेस हो गए, 5 3 15 पेजेस आपने कवर कर लिए। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है, तो इसमें आपको लिखना कितने पेज है, 2 पेजेस, मैक्सिमम 2 पेजेस मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज आप 1.5 पेज भी लिखोगे तो 4 नंबर के लिए 1.5 पेज भी सफिशियंट है, वो भी ठीक है। तो 2 पेजेस अगर हम ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं, 2 पेजेस कंपल्सरी नहीं है, मैं बोल देती हूँ 2 पेजेस जो है आप लोग ओके मैक्सिमम है। 1.5 पेज भी अगर आप लोग लिखते हो तो इसमें अगर आपको 4 क्वेश्चन करना है या 5 क्वेश्चन करना, हम एज्यूम करते हैं 5 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं 10 पेजेस, कितने जो है 10 पेजेस, तो टोटल मिला के आपके हो गए 25 पेजेस, राइट। अगर इसको 1.5 1.5 करके आप लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपको एक लाइन या 2 लाइन में देना है, तो मेरे ख्याल से 1 पेज में या मैक्सिमम 2 पेज में तो वो कवर हो ही जाएगा। तो ये 2 पेजेस आपको लेकर के ये 2 हो जाते हैं, तो अगर हम इसको टोटल काउंट करते हैं तो ये 27 पेजेस आता है, 1 पेज आपका वैसे भी बच जाता है। तो इस तरह से जो है आपको पेजेस डिवाइड करने, अब यहाँ पे कम क्या कर सकते हो, ये आपका कम होगा, ये आपका 2-2 पेजेस आप सब तो लिखेंगे नहीं, 1.5 पेज करके अगर लिखेंगे, अगर 4 आपको करना है तो ये आपका 6 पेजेस हो जाएगा, अगर 4 ही क्वेश्चन करना है तो 1.5 करके आप लिखते हो तो 6 पेज वहाँ होगा ना, तो यहाँ पे आपका हो गया 21 और 2 पेजेस में ये आया तो 23, उसके बाद भी आपके पेजेस बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है 5-5 पेजेस, लॉन्ग के लिए कंपलसरी रखेगा 5 पेज का एकदम कंफर्म, 1 क्वेश्चन पे 5 पेज, 2 क्वेश्चन पे 10, 3 क्वेश्चन पे 15, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग में करना है, 5-5 पेजेस एकदम दिमाग में आंसर सेट कर लीजिएगा। आंसर लिखने के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाला आंसर लिखे, डायग्राम बनाइए ताकि वो आपका पेज कवर करे। अब बच्चे बोलते हैं मैम डायग्राम कैसे बना दे, भाई आपको विशेषता लिखनी है ना, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक को क्या करो, इस तरह से चार्ट बना करके 1 2 3 4 5 कर दो और उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दो, तो इतना पेज तो आपको 4 से 5 लाइन वाला पेज तो कवर कर जाएगा ना ये। तो इस तरह से डायग्राम बना करके, चार्ट बना करके आंसर लिखिएगा, वो एनहेंस जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो रहा पेजेस से रिलेटेड, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है या फिर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो बेझिझक आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।